दोस्तों आज मैं आपके सैमसंग डिवाइस के कुछ फीचर्स ऐसे हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा जिनका जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है तो वो कौन से फ़ीचर्स हैं बहुत ही कमाल का आज का वीडियो होने वाला है तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे पूरा ध्यान से देखना स्किप मत करना वरना आप बाद में पछताएंगे बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं बहुत ही अल्टीमेट है और इनके बारे में मैंने आपके आपको पहले भी नहीं बताया नहीं बताया तो बहुत ही कमाल के हैं तो आपका जानना जरूरी है इसलिए देखना सो so, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़ टेक्स चैनल तो चलिए आते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे so, दोस्तों कौन से वो फीचर्स हैं अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा तो ध्यान से देखना अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना कुछ सामने क्यों रखा हुआ है ताम झाम तो वो भी समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा जो पहला फीचर है उसको इनेबल आप कैसे करेंगे ठीक है तो चलिए हम जाते हैं मोबाइल की सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद आपने जाना है एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग, ठीक के, के सेटिंग पे ठीक है चले गए जाने के बाद जाना है आपने एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पे ठीक है चले गए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन है अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है बिक्स वी फॉर एक्सेसबिलिटी अगर आपके डिवाइस में ये ऑप्शन नहीं है तो आपके डिवाइस में अगर बिक्स भी वर्क नहीं करता तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा लेकिन इसके बाद और भी सेटिंग है शायद वो आपके डिवाइस में अवेलेबल हो शायद क्या वो आपके डिवाइस में होंगी हंड्रेड एंड वन परसेंट लेकिन ये सेटिंग आपका जाना ज़रूरी है अगर आपके डिवाइस में बिक्स भी का ऑप्शन दिया गया है ठीक है बहुत कमाल की है तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने कबाड़ क्यों रखा हुआ ठीक सामने चलिए आते हैं हम बिक्स रिविजन के ऑप्शन ऊपर यहाँ से आपने इसे ऑन कर देना है ठीक है ऑन करने के बाद आपने सभी फीचर यहां पे आपने डिस्क्राइब ऑन कर दे रहे हैं ठीक है उस कर दिए ऑन करने जब पहली बार आप यहाँ पे इन सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो आप ध्यान से देखना ये अपडेट मांगेगा तो आपने इसे अपडेट कर लेना है ठीक है थर्टी सेवन एम के आसपास ये अपडेट होगा छोटा सा अपडेट है ठीक है उसके बाद आपकी स्क्रीन में एक ऑप्शन यहां पे शो हो जाएगा बिक्स विजन तो इसका काम क्या है अब देखने वाली बात है यहाँ पे ठीक है बहुत कुछ है इसका काम चलिए हम बिक्स विजन को ओपन करते हैं ठीक है तो हम जैसे कि इसको पहले वाले ऑप्शन को निकालते हैं पहला आता है हमारा कलर डिटेक्टर मतलब कि कलर डिटेक्ट कर रहा है चलिए हम कलर चेक करते हैं ये कौन सा Black, कलर dark, gray, orange, red, gray, तो ये बोल dark, रहा है gray, मतलब कि gray. मैंने अभी पॉज कर दिया यहाँ पे तो ये बोल रहा है कलर सारे इसने काउंट कर दिए डार्क ब्लैक ऑरेंज येलो सारे कलर इसने है ना कमाल का उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है टेक्स्ट रीडर मतलब कि टेक्स्ट को रीड करेगा तो यहां पे देखते कोई text है या नहीं है चलिए यहां पे आ गया रीड करते हैं इसको ठीक है तो इसको रीड कर रहा है ठीक है ध्यान से देखिए S vision glasses MEDIUY make everyday meals even more special तो देख लीजिए मतलब कि कुछ भी लिखा था यह इसने रीड करके यहाँ पे बता दिया ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो ऐड आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल चलिए फ्लावर पॉट ये एक्चुअली मैंने गिलास रखा है लेकिन ये फ्लावर पॉट बोल रहा है मतलब जहाँ पे हम फ्लावर को डालते हैं जैसे गमला हो गया ठीक है वो बता रहा है चलिए इसको करते हैं हम रीड करते हैं पता नहीं कुछ टॉय कार टॉय कार बता रहा है चलिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे पेंजिंग मशीन पेंजिंग मशीन मशीन ये कुछ फाइंडिंग मशीन के बारे में बता रहे हैं मतलब अच्छे से इसको फाइंड आउट नहीं कर पाया क्योंकि ये अजीब सा फोटो है ना तो आप इस तरह फॉर एग्जांपल चलो हम इसको ट्राईपोड को करते हैं यहाँ पे तो देख लिए ट्राइपोर्ट, इसने ट्राईपोर्ड को सही ढंग से जो है building, डिटेक्ट कर लिया ठीक है building. अब सीन डिस्क्राइबर ये क्या चीज है क्या बात है विंडो मतलब मैंने अपने विंडो के साथ इसे ट्राईपोर्ट की यहाँ पे सेटिंग मतलब कि आप समझ जाएंगे ये मतलब कि बंद कर यार मतलब कि ये कुछ भी आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आपको ये बिक्स भी विजन जो है बिक्स विविजन आपको यहाँ पे बता देगा और भी बहुत कुछ है यहाँ पे आप देखने वाली चीज़ है यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है सीन मैन जैसे बताया क्यू आर कोड को स्कैन कर लेता है ये ठीक है शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे शॉपिंग भी कर लेगा डिस्कवर भी कर लेगा उसके बाद आप ट्रांसलेट वाला ऑप्शन आपको पता ही है वाइन वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख जाएगा ठीक है।, है बहुत ही कमाल का है बिक्स भी विजन आपको यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले अब हम नेक्स्ट सेटिंग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो ध्यान से देखना अभी वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ ठीक है नेक्स्ट सेटिंग कौन सी है यहाँ पे? तो फॉर एग्जांपल आपके डिवाइस में कोई फीचर अवेलेबल नहीं है जैसे कि गुड लॉक एप्लीकेशन आपके डिवाइस में नहीं है वर्क नहीं कर रहा है तो आप सैमसंग से डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं वो कैसे तो आपने नोटिफिकेशन पैनल नीचे को डाउन करना है ठीक है उसके आपको थ्री डॉट ऊपर देखने को मिल जाता है ऑप्शन यहाँ पे आप ऑप्शन में आपको नीचे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपका जो सैमसंग मेम्बर ऐप और डायरेक्ट ओपन हो जाएगी यहाँ से फिर आप सैमसंग वाला से आज क्वेश्चन कर सकते हैं एरर रिपोर्ट बता सकते हैं रिमोट सपोर्ट बता सकते हैं टैक्स चार्ट भी कर सकते हैं रिमोट सपोर्ट मतलब कि आप रिमोटली जो है कनेक्ट हो जाएंगे सैमसंग के साथ और आपको आप उनके साथ जो है अपने डिवाइस की प्रॉब्लम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं कि मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है समझ गए ना उसके बाद मैं आपका एक फीचर है वो बताने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही क्लासिक है और लास्ट फीचर है आपको जानना इसका बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है वो कौन सा फीचर है चलिए हम पावर की को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो पावर की को प्रेस करने के बाद आपको ये ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाते हैं लॉकडाउन मोड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मैं दोबारा से इसके ऊपर बता दूंगा ठीक है एमरजेंसी मोड ये आपने सभी ने देखा होगा और बहुत लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं अगर नहीं जानते हैं अगर जानते हैं तब देखिए है दोबारा से क्योंकि सेटिंग्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं अपडेट आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पर तो एमरजेंसी मोड हम एक्टिवेट करते हैं यहाँ से इससे क्या होगा मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ सबसे पहले आपको इससे सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं कहीं दूर जा रहे हैं दो दिन का ट्रिप है एक दिन का ट्रिप है तो आप इसे ऑन करके जा सकते हैं इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलेगी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा आप अपनी बैटरी को बचा सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलता है एमरजेंसी अलार्म मिल जाता है यहाँ पे फ़ोन कॉल्स मिल जाती है यहाँ से आप डायल बात कर सकते हैं किसी के साथ भी शेयर माय लोकेशन आप अपनी लोकेशन को यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ और यहाँ पे आपको एमरजेंसी कॉल मतलब कि पुलिस को कॉल भी कर सकते हैं यहाँ से तो ये जरूरत नहीं है ऐसे क्लिक यहाँ क्लिक करेंगे तो आप सौ नंबर पर कॉल चल जाएगी मतलब पुलिस वाले के पास चले जाएगी ठीक है अब यहाँ पे थ्री डे फोर्टीन आर रिमेनिंग ये आपकी बैटरी का दिन है मतलब कि आपकी बैटरी चलेगी तीन दिन और चौदह घंटे आपकी बैटरी बैकअप आप यहाँ पे बढ़ जाएगा इस ऑप्शन को ऑन करेंगे आप ठीक है और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे टर्न ऑफ मिलता है एडिट कर सकते हैं एमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स आपको देखने मिल जाती है बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तो मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं इमरजेंसी मोड ऑन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अभी घर में हूँ ठीक है ये थी कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताना चाहता था बहुत ज़रूरी है तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सो so, बाय बाय ठीक है जय हिंद बंदे मातरम